गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका विशाल सर और आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज ए इज़ इक्वल टू 314 एंड बी इज़ इक्वल टू 4, 2 एंड 6, 3, 5 एंड 8। सो अब हमें करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी। ओके, सो अगर मैं ए के ऑर्डर की बात करता हूँ तो आप सब देख सकते हो कि जिसके अंदर सिर्फ एक रो है एंड 3 कॉलम, राइट। और बी के ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ कि जिसके अंदर 3 रो है और 2 कॉलम, राइट। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज होता है रो 2 कॉलम, क्लियर। फिर से एक बार, हमारा ए का ऑर्डर हो गया 1x3 और हमारा बी का ऑर्डर हो गया 3 रो, यानी कि 1, 2, 3 रो एंड 2 कॉलम। ओके, सो बी ऑर्डर इज 3x2। अब सबसे पहली कंडीशन के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो अगर सेम है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल। और अगर पॉसिबल है तो उसके अलावा जो बाकी बचते हैं 1 और 2 जो अभी ब्लू लाइन में है, तो वो हमारा आंसर का ऑर्डर होगा ए इंटू बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से, तो हमारा आंसर का ऑर्डर होगा 1x2, क्लियर। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, और अगर पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट के अंदर 3 कॉलम है और सेकंड के अंदर 3 रो है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और उसका आंसर होगा 1x2, क्लियर। अब आपको करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो के अंदर 3, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 3x4 प्लस सेकेंड मेंबर का सेकेंड यानी कि 1x2 और थर्ड का थर्ड के साथ यानी कि 4x6। सो योर आंसर इज 3×4 = 12, 2×1 = 2 एंड 6×4 = 24, 24+2 = 26, 26+12 दैट मीन्स 38। तो आपका ए इंटू बी का फर्स्ट एलिमेंट आपको मिल गया 38। फिर से एक बार, कैसे आया, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, जिसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, तीनों का एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा हो गया ए इंटू बी का फर्स्ट एलिमेंट। नाउ सेकंड एलिमेंट के लिए फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जब तक कॉलम फिनिश नहीं होती तब तक आपको जाना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसमें भी फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 3×3 = 9, सेकंड का सेकंड के साथ 1×5 + 5, थर्ड का थर्ड के साथ यानी कि 8×4 = 32, क्लियर। सो आपका टोटल आंसर हो जाएगा 32 + 9 = 41 + 5 = 46। सो दिस इज योर आंसर, ए इंटू बी इज इक्वल टू 38 46, 1 रो एंड 2 कॉलम, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सबको पता चला। सबसे पहले आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है तो उसका आंसर क्या आएगा, राइट। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, 2×3 = 6 एंड 3×2 = 6, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, बट ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ए डॉट बी का जो आंसर होगा वही बी डॉट ए का हो वो ज़रूरी नहीं है। अब बी डॉट ए अगर आपको करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि बी का ऑर्डर क्या है 3x2 और ए का ऑर्डर है 1x3, क्लियर। तो आप देख सकते हो कि बी के नंबर ऑफ कॉलम डज नॉट इक्वल टू ए नंबर ऑफ रो, तो आप लिख सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सो बी ए तो पॉसिबल ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड। सो ए भी आपको मिल सकता है, बी ए मिलेगा नहीं, बट ऐसा हर एक केस में ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स की, सॉरी, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो। चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, कि लाइक ए इज इक्वल टू 3, 4, 7, 2 एंड 5, 9,
B is equal to 3, 1, 5, 6, 9 and 7, राइट right? अब हम दे अबे हमें करना है A इंटू बी, यानी कि A और B का हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके तो कैसे होगा? सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि आपको A का ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा. तो उसका ऑर्डर क्या है? 3 रो 2 कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 2. सबको पता चल गया कि A का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 2, राइट. B का ऑर्डर क्या होगा? तो भी आप देख सकते हो के बी के अंदर कितनी रो है, 2, और कितनी कॉलम है, 3. सो योर ऑर्डर इज़ 2 क्रॉस 3, क्लियर. सो बी का ऑर्डर क्या हो गया आपका? 2 क्रॉस 3. तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो दोनों सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और आपका आंसर क्या आएगा? 3 क्रॉस 3, यानी कि बाकी जो बचा वो आपका आंसर होगा 3 क्रॉस 3. गॉट इट? क्लियर. अब हम करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको याद रखना है कि पूरी प्रोसेस के बाद ही आपको मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है. पहले तो पॉसिबल है कि नहीं, और पॉसिबल है तो उसका आंसर क्या आने वाला है. ओके तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में 3, 4, सेकेंड में 3, 6, 3, 3 जा 9 प्लस 6, 4 जा 24, दैट मीन्स हमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिल गया 33. क्लियर, पता चला? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, 3 जा 9 प्लस 6, 4 जा 24. ओके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो आप देख सकते हो उसमें भी फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन. 3, 1 जा 3 प्लस 9, 4 जा 3, 1 जा 3 प्लस 9, 4 जा 32. तो 32 प्लस 3, दैट मीन्स आपको सेकंड एलिमेंट मिलेगा 39. 3, 1 जा 3 प्लस 9, 4 जा 36, 36 प्लस 3, 39. नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 5, 3 जा 15 प्लस 7, 4 जा 28. सो 28 प्लस 15, सो 28 प्लस 15 इज इक्वल टू 43. सो आपका थर्ड एलिमेंट आपको मिलेगा 43. क्लियर. नाउ फर्स्ट रो का काम फिनिश हो गया. नाउ मूव ऑन टू सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उसमें भी आप कर सकते हो 7, 3 जा 21 प्लस 6, 2 जा 12, 21 प्लस 12 यानी कि 33. ओके नाउ मूव ऑन टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 7, 1 जा 7 प्लस 9, 2 जा 18, सो 18 प्लस 7, 25. सो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा 25. प्लस 9, 2 जा 18, सो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा 25. नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 7, 5 जा 35 प्लस 7, 2 जा 14. सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 7, 5 जा 35 प्लस 7, 2 जा 14. सो योर आंसर इज 49. ओके नाउ मूव ऑन टू थर्ड रो, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. थर्ड रो में है 5 और 9, और फर्स्ट कॉलम में है 3 एंड 6. ओके सो 5, 3 जा 15 प्लस 9, 6 जा 54. सो 5, 3 जा 15 प्लस 9, 6 जा 54, तो आपका टोटल होगा 54 प्लस 15, 69. सो योर आंसर इज 69. नाउ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 5, 1 जा 5 प्लस 9, 9 जा 81, 81 प्लस 5 इज इक्वल टू 86. 9, 9 जा 81, सो 81 प्लस 5 इज इक्वल टू 86.
And last 5 5s are 25 plus 9 7s are 63. So 63 plus 25. Total 5 plus 3 8 or 8 88. Okay, so आपका homework 3.2 all matrix multiplication आपको homework में करना है.